मयांक यादव जैसा टैलेंट। ओ यार कहां पे नजर आता है भाई, खाली इंडिया में नजर आता है, इंडिया में, खाली इंडिया में। भाई डर के रहो, आपका रिकॉर्ड तोड़ने वाला इंडिया के अंदर पैदा हो गया। यादव को पहले मैच में इसने पेस की 156 की, लोगों ने बोला यार ठीक है निकल गई ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरे मैच में 157 शुएब अख्तर तक ने ये बोल दिया है कि मुझे अगर किसी से डर लगना शुरू हुआ ना तो मुझे इससे लगना शुरू हुआ है शुएब अख्तर। शुएब अख्तर जिसने 161.3 केपीएच की बाल की थी। हमारा तो भाई डायरेक्ट जाके वर्ल्ड कप में ही सामना होगा और 9 जून को सामना होगा। यकीन करो मैं पाकिस्तानी प्लेयर से इतना कहूंगी बेटा पैंपर वैम्पर पहन कर जाना, क्योंकि ये मयंक यादव की जो एक्सप्रेस प्लेस है किसी का बाप भी सामना नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे पाकिस्तानी प्लेयर से गुजारिश है अपनी पेटी जो है वो बांध लेना और पैंपर शैम्पर पहन के जाना। एक ऐसा पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसको मौका चाहिए था कि दुनिया में कोई ऐसा बॉलर आ जाए जो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दे, ठीक है, और वो मिल गया उसको मयंक की शक्ल के अंदर। मयंक की शक्ल में मिल गया और उसने 2 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये बात कह दी है कि अब शोएब भाई का रिकॉर्ड टूट जाएगा। जबकि मैं अच्छा ये मजाक नहीं है, हमें भी क्या लगता है मयंक जो एफर्ट कर रहा है ना उस पर नहीं लगता ऐसा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो सबसे तेज गेंद भी मारता है ना वो अपनी लिमिट में ही रहता है। ये जब ठानेगा कभी कि मुझे जोर लगा के अच्छा इसलिए ये गोल लेके नहीं उतरा कि मुझे एक बार 160.4 बार यानी 161 करके मुझे कोई 100 माइल का रिकॉर्ड तोड़ना क्या है, 100 माइल करनी है, ये सोच के नहीं उतरा हुआ, इसलिए ये कभी ना कभी कर जाएगा। ये जो लड़का है मयंक यादव जो है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे एक व्यूअर जो है उन्होंने गुज़िश्ता रात वाली वीडियो में हमें ये कहा था कि ये पेस ऑफ उमरान मलिक है और ब्रेन ऑफ बुमराह है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो मयंक यादव बनता है। बहुत कमाल की एक्यूरेसी है, बहुत जबरदस्त स्पीड है और फिर जिस तरीके से वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर रहा है, देखिए किसी के पास हथियार है वो उस हथियार को इस्तेमाल नहीं करना जानता तो वो यूजलेस हो जाता है ना। आप अगर हाईलाइट देखें तो आपको समझ में आएगा कि उनका कितना क्विक बाउंसर है और कितनी उनकी रफ्तार है। उन्होंने दूसरे मैच में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा आईपीएल के अंदर, इस साल आईपीएल में सबसे तेज बॉल डाला एक पहले मैच में, आज उन्होंने दूसरा मैच खेला अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 156.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आज बॉल डाली। साफ है कि एक पॉइंट का फर्क है उनका शॉन टेट से और वो आईपीएल की हिस्ट्री के सबसे तेज बॉलर बन जाएंगे। भाई पेस तो वो है जिसके ऊपर शुएब अख्तर और ब्रैडली भी कमेंट करते हैं, यकीन करो इस पेस के ऊपर इनके कमेंट्स आना ये एक यंगस्टर के लिए किसी भी बड़े आप कह लो वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है, क्योंकि जो बंदा अभी अभी अपना करियर की शुरुआत कर रहा है और उसके लिए इतने बड़े बड़े लोग जो है वो बातें कर रहे हो जिसमें वसीम अकरम हो, जो रिकी पॉन्टिंग हो, शुएब अख्तर हो, ब्रैडली हो, ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई उस बंदे को खुद भी यकीन ना आ रहा हो कि मैंने कोई वर्ल्ड कप तो नहीं जिता दिया टीम इंडिया को, क्योंकि भाई यहां पर यही बात हो रही है मयंक यादव के बारे में, पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है और यहां तक के कह दिया गया कि भाई पाकिस्तान मीडिया में कि खुदा का वास्ता इसको वर्ल्ड कप में ना खिलाना, कि कुछ भी खिला लो तुम वर्ल्ड कप में, मतलब कपिल देव को लेके आ जाओ कुछ भी कर लो लेकिन इसको वर्ल्ड कप में ना खिला, क्योंकि अगर ये वर्ल्ड कप में आया तो फिर लाइव झिंगा लाला। और भाई मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं करंट एरा में जितने भी आप देख लो बाबर आजम, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली क्रिकेट की हिस्ट्री का फास्टेस्ट बॉलर शुएब अख्तर रहा। ये बात मैं मानता हूं कि शुएब अख्तर को मार लगती थी, लेकिन शुएब अख्तर ने पता इसके ऊपर क्या बात किया है, शुएब अख्तर ने बोला कि ना मुझे ब्रैट ली से डर लगा था कि ये मेरी पेस तोड़ेगा, ना मुझे शॉन टेट से डर लगा था कि ये मेरी पेस जो है वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, और दूसरे जितने भी बॉलर हैं लॉकी फर्गसन ये इनमें वो कला नहीं है, लेकिन शुएब अख्तर ने बोला कि अगर मुझे किसी से डर लगना शुरू हुआ है तो वो मयंक यादव है, क्योंकि 21 साल की उम्र में शुएब अख्तर ने बोला है कि जब मैं 21 साल का था मेरे पास पेस थी तो स्किल नहीं थी, स्किल थी तो पेस नहीं थी, मतलब है उसके कहने का मकसद है शुएब अख्तर ने बोला है जब मैं 21 साल का था तो मेरे पास या तो लाइन और लेंथ थी या पेस थी, दोनों चीजें नहीं थी, क्योंकि आपके पास पहले पेस आती है फिर आप उसके ऊपर काम करके लाइन और लेंथ लाने में आप 27, 28, 29 साल के हो जाते हो, लेकिन 21 साल की उम्र में एक बंदे के पास लाइन और लेंथ भी है, स्किल वाइज वो बेहतरीन है, और अगर उसकी पेस मैं देखूं तो मेरी आंखें खुल जाती हैं। वसीम अकरम ने बोला है कि मैंने शुएब अख्तर की कप्तानी की हुई है, लेकिन इतनी वसीम अकरम ने यह बात बोली है कि मैं शुएब अख्तर की कप्तानी मैंने की हुई है, 21 साल की उम्र में शुएब अख्तर इतना टैलेंटेड नहीं था। नहीं अच्छा दूसरा ये कि वो अपनी बॉडी को मुश्किल में नहीं डालता है, अपनी लिमिट में रहता है, जब भागते थे अपनी बॉडी से भी लड़ते थे ना, भाई के तो मसाले देखो मैं भागता हुआ कैसा लग रहा हूँ, देखो मेरा सीना कैसा आ रहा है, देखो मेरी थाई 157 के पास तो आ गया, वो मेरे जूते का अंगूठा जो कटा हुआ है वो नजर आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ। अच्छा मेरा अच्छा यार एक बात का जवाब दूंगा पिंडी गेमर वाइटी को, यार
तुम अच्छे लड़के हो क्योंकि तुम, लेकिन मुझे फसला पता है, मैं तुम्हें वो नहीं कर रहा यार, ऐसे कमेंट ना किया करो यार कि आईपीएल में स्पीड तेज आ जाती है उमरान मलिक जब मैचों में गया। ओ नहीं भाई, वो आईपीएल में पहले वाली बहुत जोर लगा रहा था, जब इंडिया के लिए खेला तो अपनी लिमिट में बॉल करनी पड़ी, क्योंकि जब उसने एक तेज गेंद की वो लेग स्टंप से बाहर होकर वाइट हो गए। यार कभी कभी मैं एक बात बोलूं, ये वाली बातें जब तुम करते हो ना पिंडी गेमर, मैं तुम्हारी बात को ऐसे समझाता हूँ, ऐसी बातें हमारे एक्सपर्ट कर रहे थे कि इंडिया को डिवाइस लगा के बॉल कर रहा है, हल्की बॉल भारी बॉल। बेटा कम से कम इधर की फैमिली का पार्ट हो तो जरा शऊर लाओ, इतनी बड़ी लीग है, दुनिया की आंखें देख रही है, वो स्पीड गन जाली लगाएंगे। तुम ये लिख रहे थे यार अभी आजकल परसों में कमेंट में, दो तीन दिन में ही लिखा है तुमने, नहीं लिखो यार ये ज्यादती वाली बात, नहीं यार एक काम इस तरह का गेम नहीं, अलग वैसे भी लिखे अपने टीवी के ऊपर स्पीड गन लगा दो, वो जो मयंक बोल करेगा ना कैसा नहीं तुम्हारे पास भी आ जाएगा। एक तो जो कंटेंट चल रहा है उस पे ही, उससे ही रिलेटेड बात करो, अगर तुम्हारे अंदर ये वाला एलिमेंट है कि यार वो कोई इंडिया का लड़का है तो उसकी तारीफ है, तुम कभी कभी अक्सर बेकार किसी और कंटेंट में और बात भी लिखते हो, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हारे अल्फाज भी बड़े काबिले कबूल होते हैं, मैंने नाम भी ले लिया, मोहल्ले में भी पहचान भी लिया, पंडी गेमर वाईटी जो भी आईडी बनी हुई है तुम्हारी। टैलेंट क्या मिला है, मैं कहता हूं नया तूफान इंडिया को मिल गया है, 157 की पेस एक 21 साल के लड़के से हम एक्सपेक्ट नहीं करते भाई, इतनी पेस पाकिस्तान के पास नहीं है, लैंड ऑफ पेसर्स बोला जाता है, लेकिन लैंड ऑफ पेसर्स तो इंडिया बन गया भाई। शोएब अख्तर का रिकॉर्ड जो है ना वो खतरे में आ चुका है, क्योंकि एशिया के अंदर भी इंडिया के अंदर जो है मयंक यादव आ चुका है, ठीक है, जिस तरह से 21 साल की उम्र में वो बॉलिंग कर रहा है यार, इसके हडगोटे जब मजबूत हो जाएंगे, मतलब 25-26 साल की उम्र में, तो इसने रिकॉर्ड तोड़ देना है उसका जाके। फिर आप उसकी स्ट्रगल चेक करें यार, एक मिडिल क्लास घराने से जहां से वो उठ के आया है, आपने उसके इंटरव्यू सुने, मतलब उसकी स्ट्रगल तो जाके चेक करें ना, जिस लेवल से वो उठ के आया है तो साफ जाहिर डिजर्व करता है इंडिया को रिप्रेजेंट करना, और अगर रिकॉर्ड तोड़ देगा ना तो क्रिकेट फ्रेंडली को और एज अ फैन ऑफ क्रिकेट हमें बकायदा खुशी होगी। तब ये जैसे कैमरन ग्रीन को बोल्ड किया, उसके बाद मैक्सवेल को बोल्ड किया, उसके बाद तीसरी विकेट उसने ली, तो यार कमाल 14 रन देके 3 खिलाड़ी आउट, 150 प्लस पेस यार, यकीन करें अनबिलीवेबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार आज सिर्फ बात होगी मयंक यादव की, भाई मुझे तो आज इंडिया का शोएब अख्तर नजर आ गया आईपीएल के अंदर खेलता हुआ, यार क्या बात है, इतना यंग टैलेंट यार, इतना लेवल का, तीन मैच जिसके मैंने देखे और एक भी ओवर ऐसा नहीं कराया जिसके अंदर इसने 150 की स्पीड से कम बॉल फेंकी हो। तो ये स्पीड इसके पास एक वेपन है, उस वेपन को अगर ये प्रॉपरली इस्तेमाल कर ले तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हमारे पास भी है स्पीडस्टर्स हैं, हमारे पास आपने देखा कि रिसेंट पास्ट में आए कुछ प्लेयर जैसे मोहम्मद हसनैन जो है वो 155 के करीब बॉल करने वालों में है, इसी तरह आपका जो हारिस रऊफ है जो आया आके पुर हो गया, फिर उसके बाद जाके उसने गोरों को ऑस्ट्रेलिया में जरूर परेशान किया, लेकिन जब यहां पे आया तो यहां पे आके उसकी वो एक्यूरेसी बाकी नहीं रही, ठीक है, वो पेस बाकी नहीं रहा उसके अंदर, वो एक्यूरेसी बाकी नहीं रही, और फिर वो अनफिट होना शुरू हो गया, फिटनेस के इश्यूज में पड़ना शुरू हो गया, और उसकी वजह ये थी कि उनके जो बॉलिंग एक्शंस थे वो इंजरी प्रोन थे। यानी 157.7 की रफ्तार से जब बॉल डालेंगे तो वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, या 8.8 की जब रफ्तार से बॉल डालेंगे तो वो शॉन टेट का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और आईपीएल हिस्ट्री के सबसे तेज गेंदबाज बन जाएंगे, जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े बॉलर्स खेलते हैं। और दूसरा मेरा अहम पॉइंट ये है कि इस बंदे का नाम याद रखें, और आप देखिएगा बीसीसीआई इसको कैसे ग्रूम करता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप फैंस हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपके एहसानुल्ला और मोहम्मद हसनैन किधर हैं, आपको पता हो तो जरा एड्रेस कमेंट की सुर्ख में जरूर बता देगा कि ये दो बॉलर आपके कहां पे हैं। ये 150 के बॉल करने वाले हैं। एहसानुल्ला के बारे में अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं जस्ट रिफ्रेश कर दूं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग हिस्ट्री का सबसे तेज स्पेल उन्होंने किया हुआ है, पाकिस्तान सुपर लीग हिस्ट्री का सबसे तेज स्पेल किया हुआ है, 144 point something का उनकी एवरेज स्पीड थी पीएसएल में। कहां है वो सबसे तेज पीएसएल की बॉल भी अब तक उन्होंने डाली है एहसानुल्ला ने, 154.5। और ये मयंक यादव जो है वो एहसानुल्ला से तेज है, ये एहसानुल्ला पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री के तेज बॉलर हैं, मगर मयंक यादव जिन्होंने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं ये इनसे तेज हैं, इन्हें पहले मैच में भी एहसानुल्ला से तेज बॉल डाला और आज भी डाला, और शानदार क्विक बाउंस और जबरदस्त बॉल है, और एक्शन बहुत स्मूथ है, नशा चढ़ जाता है देखने को। आप देखिएगा जो क्रिकेट लवर है एक्चुअल में वो पसंद करेंगे उनकी बॉलिंग को, और आपको उनकी इकोनॉमी बता दूं, वहां पे जहां पर आईपीएल में 180-200 रन हो रहे हैं, आज भी उनकी टीम ने खुद ने 180 रन किए मगर उसी पिच के ऊपर। तो दोस्तों इंडिया को अपना एक फास्टेस्ट बॉलर मिल गया है मयंक यादव, जिसने 150 प्लस की स्पीड से बॉलिंग की है इस आईपीएल मैच के दौरान, और उन्होंने एक बार 155 की और फिर 157 केपीएच की स्पीड से बॉलिंग की है, और वही इंडिया के लिए एक बहुत ही ये अच्छी खबर है, क्योंकि इंडिया के पास इतना फास्ट बॉलर नहीं था और अभी फ़िलहाल पूरे वर्ल्ड में भी इतना फास्ट बॉलर नहीं है, और शोएब अख्तर को ये सब देखकर बड़ा ही शौक लगा है कि इतनी फास्टेस्ट जो बॉलिंग उनका रिकॉर्ड था शोएब अख्तर का वो भी टूट सकता है, क्योंकि 157 तक अगर इनकी स्पीड पहुँच गई है तो 161 का उनका रिकॉर्ड है शोएब अख्तर का, तो यानी वो रिकॉर्ड जल्दी टूट सकता है, क्योंकि इनकी जो एज है वो 21 साल है, इतनी यंग एज में इतनी स्पीड अचीव कर लेना और पूरा बैलेंस करके बॉडी को उसके बाद ये बॉलिंग करना, ये
बहुत ही मतलब एक टैलेंट की बात है, एक यूनिक चीज़ है उसके अंदर। और अब इतनी स्टार्टिंग में ही अगर वो 157 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है तो आने वाले टाइम में वो आराम से जो है शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और भाई पूरी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है और बहुत ही तारीफ हो रही है मयंक यादव की, उन्होंने इस एज में इतनी जो है स्पीड की बॉलिंग उन्होंने अचीव कर ली है। तो भाई इंडिया के पास एक नया टैलेंट और नया जो फास्ट बॉलर मिल गया है। अभी वर्ल्ड कप आने वाला है T20 का जून के अंदर, तो भाई पाकिस्तानी जो बैट्समैन है उनको जो है थोड़ा सा अभी से ये परेशानी महसूस होने लग गई है, क्योंकि मयंक यादव अगर T20 के वर्ल्ड कप में आ गया तो वो कैसे उनका सामना करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो एक शोएब अख्तर का ही नाम सुना था कि भाई शोएब अख्तर ही है जो इतना फास्ट फेंकते हैं पाकिस्तान का। अब इंडिया के पास भी भाई शोएब अख्तर से भी जो उनका बड़ा जो है तोड़ उनके पास निकल गया है, और मयंक यादव अगर T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं जो जून के अंदर हो रहा है तो भाई वहाँ पर वो जो है अच्छी खासी जो है इंडिया को इस चीज़ में मदद मिलेगी और विकेट लेने में बहुत ही उनको आसानी मिलेगी। तो मयंक यादव एक बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए और एक टैलेंट है, तो इंडिया की टीम में उनको जरूर शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।